वहीं अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पूर्व राज्य आंदोलनकारी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सहित कॉलेज राजनीति से सक्रिय तमाम पदों पर आसीन रह चुके कांग्रेस नेता ललित जोशी ने इस बार कांग्रेस की ओर से मेयर पद के लिए ताल ठोक दी है। कांग्रेस नेता ललित जोशी का कहना है कि हर कार्यकर्ता को अधिकार है कि वह अपनी दावेदारी हाईकमान के सामने रख सकता है। इसी में मैंने भी अपनी दावेदारी रखी है क्योंकि छात्र संघ से मैं लगातार राजनीति करते आया हूँ। उन्होंने कहा कि कई सालों से कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते आया हूं, इसलिए मेरी दावेदारी स्वाभाविक है। शहर को सुंदर बनाने के साथ सबसे ज्यादा परेशानी जाम की है, इसके लिए उचित प्रबंधन करना मेरी जिम्मेदारी होगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की ऑल ओवर स्थिति के बारे में सबको पता है। देखिए, जब मजबूत या कमज़ोर की बात मैं नहीं करता, मैं तो 2013 से मैं हल्द्वानी में कांग्रेस के टिकट के लिए, ठीक है, जूझ रहे हैं या मान लें या फिर मैं अपने आप को एज अ कैंडिडेट रखता आया हूँ। अब जो असमंजस की स्थिति इस समय हल्द्वानी के अंदर बनी पड़ी है वो पड़ी है क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है उसका बहुत बड़ा दायित्व है चुनाव आयोग को उसको कराने का। तो मेरा आपके साथ साथ मेरा भी अपना ये मानना है कि 4 जून के बाद किसी भी समय पर आचार संहिता को की घोषणा कर सकती है, लेकिन ये भी है कि 6 माह तब तक पूर्ण हो जाते हैं और 30 दिन का जो है दिया जाना अनिवार्य है। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। मैं दोबारा अपने उस पर आता हूँ कि मैं ये निश्चित है कि मैं दावेदार के रूप में अपनी दावेदारी पेश करूँगा और मजबूती से पेश करूँगा। पूरा 31वां वर्ष मुझे कांग्रेस के अंदर हो गया है, शायद 32वां ना चल रहा हो। तो NSY का 91 में मैं उपाध्यक्ष रहा था, उसे लेकर करके आज तक, चाहे आंदोलनों से हम निकल के आए हूँ, चाहे छात्र संघ की राजनीति से निकल के आया हूँ, चाहे हम समाज के जितने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते आए हैं, हम उन सब चीज़ों पर हमने अपने आप को कहीं ना कहीं समाज के बीच में देखा है, पाया है। तो दायित्व संभालने का जहाँ तक मुद्दा है, तो 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। मैं 10 साल पूर्व की जो सबसे बड़ी जो स्थिति है वो होती है जाम की। मुझे कोई बताए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया, आपने पूछा ना क्या रहेगा भविष्य में चुनाव, तो मैं तो कर काम पे चुनाव होता है। क्या हल्द्वानी की स्थिति है, मेरे घर के बाहर ही नगर पालिका की क्या हाल है आपको दिख जाएगा, नालियों का। तो बहुत छोटी सी बातें हैं लेकिन जाम बहुत महत्वपूर्ण है, और भी कई चीज़ें हैं। इन सबको मिलकर करके, युवाओं के रोजगार, इन सबको मिलकर करके अगला चुनाव जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है नगर निगम का। देखते हैं, जब चुनाव सामने आएगा तो आप मुझे पाएंगे कि मैं एज अ कैंडिडेट रहूँगा।